राधे राधे मित्रगणा, कैसे हो सब। तो एक बहुत ही पावरफुल स्पैम आर्मी होती है, और अगर आपके हीरो फुल्ली मैक्स नहीं है तो भी आप ये आर्मी यूज कर सकते हो, तो भी ये बहुत पावरफुल रहेगी। पर उससे पहले आपको एक सिनेरियो इमेजिन करना है। समझ लो आपके सामने एक कैनन है और ये 10 का डैमेज देता है, और आपके पास ऐसे 7 कैनन है, तो आपका टोटल डैमेज पर सेकंड कितना हो गया, 70। और अगर आपने इसके सामने एक किंग डाल दिया जिसकी समझ लो HP 700 है, तो इन 7 कैनन को 10 सेकंड लगेंगे इस किंग को मारने के लिए, राइट। तो ऐसे ही ना बिल्कुल जब आप वॉर करने जाते हो तो बिल्कुल सेम चीज अप्लाई हो रही होती है कि आप टोटल अपनी कितनी HP लेके जा रहे हो, और जो बेस है वो सामने रस बेस है या फुल्ली मैक्स टाउन हॉल बार है या टाउन हॉल 13 है, जो भी आप आर्मी लेके जा रहे हो, मतलब जो भी आप टाउन हॉल पे करने जा रहे हो, तो जो मैक्स डैमेज मिल रहा है अगर आपकी आर्मी उससे ज्यादा HP लेके जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा, तो उसको उतने ही सेकंड लगेगा और उससे पहले डिफेंसिव टूटनी शुरू हो जाएगी। तो सामने आपको दिख रहा है एक बेस है जो बिल्कुल फैला हुआ है, और ऐसे बहुत सारे बेस होते हैं जिसमें सेंटर कोर होता है और बहुत सारी चीजें फैली होती है। तो ऐसे बेस में आपको क्या करना होता है, आपको बहुत सारी HP भी चाहिए, और आपकी जो HP है वो धीरे धीरे कम हो, उसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शन भी मिल जाए कुछ, और आपके पास मतलब पावरफुल स्पेल्स भी होते हैं। तो आपको दिख रहा है सामने हमारे पास एक आर्मी पड़ी है सुपर जायंट और विचिस। जो सुपर जायंट होते हैं वो बहुत सारी HP कैरी करते हैं, और आपके हीरोज भी आ गए HP के लिए। सेंटर में जाने के लिए आपके पास लॉग लॉन्चर पड़ी है, उससे आप दीवार तोड़ देते तो आपकी आर्मी जो होती है मास यूनिट की तरह पूरे पेस में फैल जाती है, और ये अटैक रेयरली बहुत बहुत कम फेल होता है। पर अगर कोई और बेस है तो उसमें आपको याद रखना है, आपको लेफ्ट और राइट साइड की क्लीनिंग करनी है, उसके लिए आपको थोड़ा सा आर्मी में चेंज करना होता है। आइस गोलम, 2 विचिज उसके पीछे, और उसके पीछे 2 अपने बॉलर डालने होते हैं दोनों लेफ्ट और राइट साइड, ताकि क्लीनिंग हो जाए, उसके बाद आपकी आर्मी सेंटर को जा पाए, या अगर आप सामने से अटैक करना चाहते हो तो वो भी अच्छा है, पर क्लीनिंग जरूरी होती है। पर अगर आपको दिख रहा है कोई भी ऐसा खुला बेस है तो लॉग लॉन्चर डाल के आप अपनी सेंटर की चीज़ें तोड़ सकते हो। और अभी हमने सिर्फ आर्मी की बात की, स्पेल्स की बात तो की नहीं है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने स्पेल से टाउन हॉल को भी डैमेज दे दिया है, और उसकी जो क्वीन है साथ में उसको भी बहुत सारा डैमेज दिया है, और उसके जो 2 इन्फर्नो हैं वो भी टेक डाउन कर लिए हैं। अब इन्फर्नो चाहे मल्टी पे हो सिंगल पे हो, वो टेक डाउन हो चुके हैं। अब आपकी आर्मी इतनी मास वाली है और आपने चीज़ें बेस में से खा ली कुछ, तो आपकी जो आर्मी है वो और पावरफुल हो जाएगी ना। आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में आपकी कितनी सारी आर्मी जिंदा है, और विचेस के कितने सारे बेस, मतलब सब कुछ जिंदा है, और बेस कितने इजीली, मतलब आप देख सकते हो आर्मी की पावर क्या थी, आप कितनी HP लेके गए थे। तो सेम आर्मी आप कुक कर सकते हो, अपने जो फ्रेंड्स हैं जो स्पैमिंग करते हैं उनको ये स्पैमिंग अटैक की ट्रिक दे सकते हो, मतलब वीडियो शेयर कर सकते हो, और तुम शेयर नहीं कर रहे हो आजकल देख रहा हूं मैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। टिल देन स्प्रेड लव, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, लव यू ऑल।